जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय Yeah.
हिताई गौर प्रेमान्ते हरि हरि बोल। श्री राधा रानी की हरे कृष्ण। वृंदावन में कौन कौन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? हाथ उठा तो वृंदावन। हाँ देखो, वृंदावन तो कृष्ण का धाम है, लेकिन वृंदावन में कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। वहां पर क्या बोलते हैं? वहाँ पर राधे राधे क्यों बोलते हैं? वहाँ पर कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? सब राधे राधे नाम लेते हैं। देखो, एक समय राधा कृष्ण दोनों हिंदी समझते कि नहीं सब? जी जी। हरे कृष्ण। एक समय ये राधे कृष्ण दोनों दोनों को उन्होंने इशारा किया, आज हम दोनों इसी स्थान पर हम दोनों मिलेंगे। कृष्णा पहले आए और राधा रानी के लिए उन्होंने सुंदर कुंज बनाए, आज राधा रानी आएगी। लेकिन कृष्णा देखते रहे, लेकिन राधा रानी आई नहीं। बड़ी समय तक राधा कृष्ण इंतजार करते रहे। कभी कृष्ण कुंज को बाहर जाते हैं, कभी कुंज को अंदर में आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, लेकिन राधा रानी आए नहीं। लेकिन बड़ी देर में श्री राधा रानी आती है। आने पर श्याम सुंदर राधा रानी को देख करके अपना मुंह मोड़ती, राधा रानी से उन्होंने बात नहीं की। इतने में कृष्ण बोले, राधा रानी कहती हैं, हाँ कद कृष्ण मान कर लिए। कृष्ण मान करके जब मान कर लिए, इतने में राधा रानी कहती हैं सखियों को, बोले ये कृष्ण मान क्यों कर रहे हैं? बोले कृष्ण मान नहीं करेंगे, तुमने बताया था इतने समय पर आने के लिए, लेकिन तुम कितने समय में आ रहे हो, इतने देर तुमने क्यों की? तब राधा रानी कहती हैं, क्या देखो, आज वृंदावन में आप लोग वृंदावन में गए होंगे, वृंदावन के जो संत हैं और उसे उसे नहीं बनाती, वो क्या करती हैं? कहते अपना समय को नष्ट नहीं करते हुए घर घर में जाते हैं और माधुरी लेकर के आते हैं, रोटी सब्जी, ब्रजवासी रोटी सब्जी देते हैं, और वो रोटी सब्जी को खा करके भक्त लोग वृंदावन में भजन करते हैं, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए दिन रात वैष्णव लोग अपना माला जप करते हैं, लेकिन जिस समय में वैष्णव लोग जाएंगे माधुरी लेने के लिए घर में, ठीक उसी समय में घनाघोर अंधकार, बारिश और बड़ी तेजी से आंधी तूफान आया, और इतने आंधी तूफान बारिश आने लग गई, ये जो भक्त लोग वैष्णव लोग जाते थे माधुरी लेने के लिए घर के लिए, और घर से निकल नहीं पाए, लेकिन अभी घर में बैठे करके भजन करते हैं। लेकिन कृष्ण गीता में एक श्लोक को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्नश्चिन्तयन्त माम यजनः परिजुभासते तेषां नित्याभिजुक्तानां युगाक्षयं वहाम्यहम्। ये कृष्ण का प्रतिज्ञा है, कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, जो व्यक्ति मेरे अनन्न होकर के, अनन्न मतलब क्या, जो व्यक्ति मेरे को बिना छोड़े, मेरे को कभी छोड़ते नहीं, एकांत में केवल मेरे चिंता मेरी भक्ति मेरे नाम मेरी भजन में जो दिन रात उसमें डूबे हुए रहते हैं, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। कृष्ण क्या दो काम करते हैं? कहते घर में जो चीज नहीं, कृष्ण सर पर रख करके उसको घर में पहुंचाते हैं, और जो चीज घर में है उसके लिए कृष्ण एक चौकीदार बन करके वो चीज को रखवाली करते हैं। कृष्ण गीता में ये श्लोकों को कृष्ण स्वयं प्रतिज्ञा की है कृष्ण गीता में। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये वैष्णव लोग बैठ कर घर में बैठ कर क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से बोलो, हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare अभी बैठ करके भजन कर रहे हैं हां वैष्णव लोग लोग बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं जब हरि नाम कर रहे हैं लेकिन अभी घर में खाना नहीं पहुंचे लेकिन कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा किए हैं जो मेरे भजन करते हैं मैं क्या करता हूं उनके लिए सर पर रखकर घर में पहुंच जाता हूं अब ये संत को भजन कहां से मिलेगा इतने में राधा रानी की मां है मां क्या करती है खुद पहले नहीं खाती है बच्चों को खिलाएगी पति को खिलाएगी उसके बाद में मां फिर लास्ट में मां फिर भोजन करती है इसलिए जगत का मां कौन है श्री राधा रानी ये जगत का मां है अब राधा रानी की चिंता लग गई मेरे बच्चों को भी भोजन नहीं मिला अभी हम कैसे भोजन कर सकते हैं इतने में श्री राधा रानी ने स्वयं सब्जी बनाई स्वयं दाल बनाई रोटी बनाई और क्या बनाई चावल बनाए और राधा रानी जहां जा करके घर घर में जहां पर संत लोग बैठकर भजन कर रहे थे ना माला जप कर रहे थे उन लोगों ने जा करके घर घर में उनको माधुर्य दे करके घर में खिला पिला करके फिर राधा रानी लास्ट में श्री राधा रानी फिर आती हैं कृष्ण से मिलने के लिए इतने में राधा रानी कहती हैं राधा रानी कह रही हैं कहते श्याम सुंदर तुमने तो गीता में प्रतिज्ञा की हो जो मेरे अनन्य रूप में भजन करते हैं उसके लिए तुम दो काम करते हो घर में जो चीज नहीं उसको पहुंचाते हो अभी तेरे भक्त लोग बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं उनको भोजन कौन खिलाती इसलिए मैं स्वयं उनको भोजन करा के अभी मैं आ रही हूँ इतना बोलते ही कृष्ण का जो हृदय ना एकदम पानी हो गया उनका कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो गया कृष्ण का हृदय इतने में कृष्ण ने श्री राधा रानी के चरण में बोले श्री राधा रानी बड़ी जोर जबरदस्ती माला है अब जोर जबरदस्ती आते हैं ना हरे कथा देते इसलिए श्री कृष्ण राधा जी के चरण में गिर पड़े बोले हे राधे तुम तो मां हो जगत के मां इसलिए प्रतिज्ञा तो मैंने की है लेकिन वो प्रतिज्ञा को पालन कौन करती है कहते श्री राधा रानी इसलिए वृंदावन के जो मालिक है श्री राधा रानी है इसलिए वृंदावन में जाओ सब किसके नाम लेते हैं किसके नाम लेते हैं जोर से बोलो और जोर से राधे इसलिए वृंदावन में सब श्री राधा रानी की नाम लेते हैं इसलिए हम लोग भी पहले हरे कृष्णा पहले श्री हरे मतलब श्री राधा रानी का नाम पहले लेते हैं इसलिए बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले श्री राधा रानी की हाँ हरे कृष्णा आज हम लोग कुछ जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे ठीक है कल जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा थी जगन्नाथ जी कल स्नान किए जगन्नाथ जी स्नान किए हैं और जगन्नाथ जी स्नान क्यों किए हैं क्या भगवान अपवित्र हो गए कहते हैं ना नम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो विवा जस्मरेत पुंडलिकाख्यम सवाया वह दर्शुसि मतलब जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं वो बाहर और भीतर दोनों से वो पवित्र हो जाते हैं जो एक बार श्री जगन्नाथ जी का नाम को ग्रहण करते हैं लेकिन जो उनका नाम लेते हैं वो बाहर भीतर दोनों पवित्र हो जाते हैं फिर जगन्नाथ जी फिर स्नान फिर क्यों किया फिर हैं और इतने स्नान जगन्नाथ जी को कराया जाता है इतने पानी में जगन्नाथ जी स्नान करते हैं ना आज से कल से जगन्नाथ जी बुखार में पड़े हुए हैं ठाकुर जी बुखार में पड़े हुए आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड ये थोड़ी बहुत समझ
ये तो इसको ले लो जो कान ना नाश्ती है इसलिए जगन्नाथ जी बुखार में पड़े हुए हैं। जगन्नाथ जी अभी 15 दिन तक जगन्नाथ जी बुखार में पड़े रहेंगे और जैसे बुखार हमें होने पर पतली पतली खिचड़ी खाते हैं और दवा लेते हैं जगन्नाथ जी 15 दिन तक जगन्नाथ जी दवा ग्रहण करेंगे। बल जगन्नाथ जी ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं वहां पर, इसका कारण है क्या? बोले कारण है जो जगन्नाथ जो पुरी है जहाँ पर जगन्नाथ जी रहते हैं वह स्थान को मानी जाती है द्वारकापुरी। कृष्ण रहते हैं तो द्वारका में रहते हैं 16108 पटरानियों को साथ में, रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी मित्रबिंदा रहते हैं इनको साथ में और सोते हैं उनको साथ में, लेकिन रोते हैं श्री ब्रजवासियों में और इतने रोते हैं जगन्नाथ जी कृष्ण विरह में और अपना आंखों का आंसुओं से तकिया कभी कभी गीली कर देते हैं रात में स्वप्न में कहते हैं हे राधे हे ललिते हे विशाखे तुम कहाँ हो, उनको कपड़ा पकड़ करके जगन्नाथ जी कहते हैं कृष्ण कहते हैं याद करते हैं ब्रजवासी के लिए कृष्ण याद करते हैं। इसलिए जो द्वारका के महिषियां चिंता करती हैं, हम एक से एक सुंदरी हैं और एक से एक राजा राजघराने के हम बेटियां हैं और सारी कला में हम निपुण हैं, लेकिन हम सबके सब जगन्नाथ जी कृष्ण की सेवा करते हुए उनको संतुष्ट नहीं कर पाते। ये ब्रजवासियों ने ऐसे क्या ब्रजवासियों ने सेवा की गोपियों ने राधा रानी ने और कृष्ण यहाँ सोते सोते स्वप्न देखते हैं और उनके लिए रोते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी चाहते हैं कृष्ण चाहते हैं साल में एक बार मैं जाऊं वृंदावन में और वृंदावन में जाकर के ब्रजवासियों से ब्रज गोपियों से एक बार मैं मिल करके आऊं। जगन्नाथ जी की ये बड़ी इच्छा है, कृष्ण की ये बड़ी इच्छा है, लेकिन जगन्नाथ जी ये बात को लक्ष्मी को बोलने के लिए बहुत डरते हैं। बोले क्यों डरते हैं? कारण क्या? बोले कारण है एक व्यक्ति का अगर दो पत्नी हो अगर एक पत्नी को आप बोल दो हम दूसरे पत्नी को पास में जा रहा हूं, फिर पत्नी क्या करेगी? बोले वही जाना है, यहाँ आने की तेरे को जरूरत नहीं। और मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, रोटी फेंक करके देगी इसलिए और खाना पीना बंद कर देगी, बोले तुम खाना बनाओ तुम खाना खाओ, हम खाना नहीं दे सकते हैं। इसलिए कृष्णा बहुत डरते हैं लक्ष्मी को बोलने के लिए, मेरे को थोड़ी से आदेश दे दे मैं थोड़ा जा करके वृंदावन में जा करके मिल करके आऊं। इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं, आज से बुखार की बहाना बना लिया, बुखार की बहाना बनाई अरे ये प्रेम की बुखार है। और क्या करेंगे? बोले 15 दिन तक लक्ष्मी को पास में अकेला रहेंगे, अल्लाह करके लक्ष्मी को मनाएंगे, मेरे को थोड़ी आदत दे मैं जाऊंगा कहाँ वृंदावन जाऊंगा, एक दो दिन में केवल घूम घाम करके आ जाऊंगा। इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन तक जगन्नाथ जी केवल लक्ष्मी को मनाते रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, केवल उनको मनाते रहेंगे। जब 15 दिन हो जाएगा फिर बुखार की बहाना भी बना ली, हमें बुखार है। 15 दिन के बाद में बुखार से जब उठते हैं कृष्ण कहते हैं लक्ष्मी तुमने देख लिया ना 15 दिन तक तेरे पास में रहा कहीं गया नहीं और ये बुखार में मैं पड़ा रहा, मेरे को एक दो दिन आदेश दे दे थोड़ी सी एक दो दिन में घूम घाम करके वृंदावन से आ जाऊं। बोले कब आओगे? बोले आज जाऊंगा कल मिलकर परसों आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं करूंगा। फिर जगन्नाथ जी अकेले नहीं लक्ष्मी को साथ में नहीं ले जाते। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी ये द्वारका की है, वो ब्रज की भाव को नहीं समझेगी, इसलिए श्री बलदेव प्रभु को ले जाते हैं और ये सुभद्रा को ले जाते हैं, अपना बहिनी को लेकर के जगन्नाथ जी और श्री कृष्ण बलराम ये दोनों और सुभद्रा तीनों जाते हैं कहाँ?
कभी जाते हैं वृंदावन में और वृंदावन में ब्रजवासियों को साथ में मिलने के लिए जाते हैं। इसलिए आज हम लोग श्री जगन्नाथ जी कुछ कथा सुनेंगे और हमारे यहाँ पर श्री दामोदर प्रभु जी है वो थोड़ी सी जगन्नाथ जी कथा सुनाएंगे और मैं भी थोड़ा जगन्नाथ जी कथा सुनाऊंगा और विजय भी थोड़ा सुना देगा। इसे सब मिल करके आज हम जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे। देखो जो जगन्नाथ जी है ना हमारे संप्रदाय में जगन्नाथ जी की विशेष महत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर रहे? उन्होंने तो 26 साल तक गृहस्थ लीला की और 26 साल में संन्यास लिए, लेकिन फिर 26 साल कहाँ बिताए? 6 साल तक इधर उधर भ्रमण किया और 18 साल तक कहाँ रहे? श्री जगन्नाथ जी की मंदिर के पास में और रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, मंगलारती दर्शन शाम को दर्शन करते थे और रोज जगन्नाथ जी के प्रसाद पाते थे जगन्नाथ जी की। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के रोज दर्शन करना और जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है कहते पृथ्वी में सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जगन्नाथ रथ यात्रा में कौन कौन गए हो? जगन्नाथ जी रथ यात्रा में कौन कौन गए? एक व्यक्ति गए और कौन गए? दो और तीन और कौन गए? रथ यात्रा में और कौन कौन गए पूरी में? इसलिए आप देखना कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जितने भीड़ जितने लोग आते हैं और जितने धूमधाम से रथ यात्रा मनाया जाता है पृथ्वी में कहीं भी किसी फेस्टिवल में इतने लोग कभी आप नहीं देखोगे और इतना बड़ा रथ कहीं नहीं देखोगे। इसलिए और जगन्नाथ जी को ना उड़ीसा में कहते हैं बड़ा ठाकुर, पृथ्वी में इतने बड़े ठाकुर कहीं नहीं है और उनका जो रथ है उनका रथ को क्या बोले बड़ा रथ है और वो जो रोड है उसका नाम बड़ा दांड है, मतलब सबसे बड़ा रोड। इतने बड़े चौड़ा रोड कहीं नहीं देखोगे, इतने बड़े मंदिर कहीं नहीं देखोगे, इतने बड़े ठाकुर कहीं नहीं देखोगे और इतना जो खाना खाते हैं ना जगन्नाथ जी दिन में छापा न बार कभी उनका हाथ ही नहीं सूखता है। इसलिए इतना बड़ा मार्केट कहीं नहीं देखोगे प्रसाद का, इसलिए सब उनको बड़ा ही बड़ा है, उनका सब चीज उनको बड़ा बड़ा, बड़ा ठाकुर बड़ा देवल मंदिर बड़ा, इतना बड़ा मंदिर भी कहीं पृथ्वी में नहीं देख, इतने ऊंचाई मंदिर जगन्नाथ जी। इसलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। और रथ यात्रा में केवल एक ही फेस्टिवल है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे परिकर अगर कहीं एकत्रित हुए हैं, अगर किसी फेस्टिवल को मनाए तो कौन सा फेस्टिवल को मनाए? केवल रथ यात्रा है और किसी यात्रा में महाप्रभु का आप कभी नहीं देखोगे, कहीं नहीं किए। सारे नित्यानंद अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास पंडित जितने महाप्रभु का भक्त लोग हुए हैं केवल एक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई है जिसमें ये सब के सब सारे भक्त आकर के मिलित होते थे और महाप्रभु रथ यात्रा के सामने अपना भक्तों को लेकर के एक साथ में नृत्य कीर्तन करते थे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 जगन्नाथ जी रथ यात्रा है ना, मैं जगन्नाथ जी का देश था जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है वहां से थोड़ी दूर हमारा घर है, अजय राय रामानंद प्रभु है ना नाम सुने राय रामानंद उनको गांव को पास में हमारा गांव है। देखो जगन्नाथ जी जब रथ के ऊपर बैठते हैं ना हमारे देश में एक प्रथा है जितने माताएं अगर कोई स्त्री गर्भवती है किसी माँ के पेट में बच्चा है वो कहा करते थे तुम जगन्नाथ को दर्शन करने मत जाया कर, रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए मत जा। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ जब रथ के ऊपर बैठते हैं उनकी इतने कृपा दृष्टि जगन्नाथ जी आ कैसे हैं? इतने बड़े बड़े जगन्नाथ जी के आ के हैं
इसलिए एकदम खुला हुआ ऐसे आग फाड़ फाड़ कर जैसे देखते हैं ना, ऐसे जगन्नाथ जी आग खोल कर फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। इसलिए हमारे देश में कहते थे दर्शन के लिए मत जा जी। बोले क्यों? बोले रथ में जब जगन्नाथ जी बैठते हैं, गर्भ में जो बच्चा है ऊपर का लोगों के ऊपर में तो जगन्नाथ जी की प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन गर्भ में जो बच्चा है उसको ऊपर में भी जगन्नाथ जी का प्रभाव पड़ता है। वो पेट जो बच्चा आता है उसका आंख बड़ी बड़ी हो जाएगी। जगन्नाथ जी आंख भी बड़ी बड़ी है ना, तो पेट में तुम्हारा जो बच्चा है उसका आंख भी बड़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए बोलते तुम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मत जाया करो, क्योंकि जगन्नाथ जी जब रथ में बैठते हैं, रथ में बैठते हैं कहाँ जा रहे हैं? कहते ये जा रहे हैं, ये द्वारका से ये जा रहे हैं वृंदावन, ये गोपियों से, नंद बाबा से, माँ यशोदा से, राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न इतने खुश होते हैं। पद्म पुराण में बताया रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर एक बार रथ को परमेश्वर जगन्नाथ जी को जो दर्शन करता है उसको दो बार जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इतने महिमा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की, केवल उनका रस्सी को कोई पकड़ ले, रस्सी है ना, रस्सी को खींच करके कोई ले ले, केवल रस्सी को पकड़ ले, कभी संसार में दोबारा जन्म उसको नहीं लेना पड़ेगा। इतने महिमा जगन्नाथ की रथ यात्रा में। और जो रस्सी को खींच कर ले जाता है ना, हमारा देश में जब रथ यात्रा हो जाता है उसका रस्सी को तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं, एक एक धागा ले जाते हैं। बोले क्यों? बोलो रस्सी की इतनी महिमा है, जिनका हाथ में घुटन में कहीं दर्द है शरीर में उसको बांधो तो सारा दर्द सही हो जाता है। और जिस घर में वो रस्सी को रख लो, घर के जितने भूत पिशाच उल्टा सुल्टा जो चीज सब घर से अपने आप निकल जाते हैं। इतने महिमा वो जगन्नाथ जी की जिस रस्सी को पकड़ करके जगन्नाथ जी को करके ले जाते हैं जगन्नाथ, इतने महिमा वो रस्सी की, इतने महिमा है। इसलिए जगन्नाथ जी की तो अपरम परम महिमा है। अभी हमारे श्री दामोदर प्रभु जी आपको जगन्नाथ जी कुछ कथा सुनाएंगे हाँ, और श्री इन्होंने बहुत वैष्णव का संग किया प्रभु जी, श्री गौरव गोविंद महाराज महाराज जी की हमारे बड़ी गुरु जी की सबसे हरी कथा सुनी, जगन्नाथ जी बहुत कथा सुनी उन्होंने, और जगन्नाथ जी उन्होंने कुछ कथा सुनाएंगे फिर मैं भी बाद में कथा सुनाएंगे। ठीक है, बोले श्री जय जगन्नाथ की जय, बोले श्री बलदेव प्रभु की जय, बोले श्री सुभद्रा देवी की जय, बोले श्री सुदर्शन चक्र की जय, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। गौर चंद्राय राधिकाय तथा कृष्ण कृष्ण भक्तिने कल्पताय नमो नमः। वंचकृपतुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुजनन सुभद्रारासु श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I would like to offer my unlimited dandavat pranam to my param aradhita madhyakshi gurudev nichalila pravishna om vishnupad ashtotra satasusimat bhakti nandanayaka swami maharaj. I also would like to offer my unlimited dandavat pranam to my param aradhita madhyakshi gurudev pranam to all the respected guests. So Maharaj has requested me to speak a few words on the glories of Jagannath. Actually, the subject of Jagannath, Lord Jagannath, it's very extensive. If you want to have very deep understanding of actually the meaning of Ratha Yatra, there's a very beautiful book of my Gurudev. That is Embankment of Separation, where you will find many, many esoteric meanings of the Ratha Yatra festival. Very deep and very rasik katha. But what I will want, I'll tell you a little more simple katha, which I read from a very interesting book, which was written by one of the priests of the Jagannath Puri temple. It's a very beautiful story. You know, in Jagannath Puri, many preparations are made
every day for Lord, pleasure of Lord Jagannath. Very authentic recipes. And you have, has anyone seen how it's cooked, how the cooking is done? On pots, big, you know, and wood. Very, and the old, in the, it's going on like that since hundreds and hundreds of years, going on like this, this way of cooking. How do you cook for Jagannath, Lord Jagannath? And does anyone know how many preparations are made? No one knows? 56. Yes, correct. So, this is, and there was one very, very, very wealthy person. And he came in a very challenging mood. And he came in a challenging mood to the Dham, to Lord Jagannath. And he said like this, you know, I want you, you said your Lord is all powerful and he's almighty, Lord Jagannath. And he sees everything with his big, big eyes. So I want you to tell me, because he was very rich and he was a little bit boasting. I want you to tell me that if there's one recipe, what can be offered to the Lord which I cannot afford. Does everybody understand this? I want to, one offering should be done to the Lord which I cannot pay for. I know you are doing it very elaborately, so 65 offerings a day, but I want to do one offering which I cannot even pay for. So everyone was looking and they were saying, this was a challenge was made to Lord Jagannath. Because you're saying, you're claiming your Lord Jagannath is all powerful, he's almighty, he sees everything. So this is my challenge to the Lord. So all the priests, they all started to discuss, is there anything which is so valuable, which can be offered to the Lord? So everybody started thinking, but nobody could come to such a huge amount because everything, you know, is affordable. You have chawal, rice, so many recipes which are made. It's, these are general things which are everyone is taking, which is everyone is honoring. So the priests, they were very disturbed. But that night, Lord Jagannath came in the dream of one of his devotees and said, listen, this man has come and he has, you know, challenged. He has challenged everyone. So you should tell him this, there's one recipe. I want this recipe with this one offering. This is pan. I want a certain pan. But in that pan, there should be an elephant pearl. This elephant pearl is very rare. It's a pearl which develops within the skull of an elephant. That elephant pearl has to be ground and mixed together with that pan, and that should be offered to me. This is the offering I want from him. The priest woke up, and the priest woke up, the devotee woke up in the morning and said, this is the Lord, the Lord has answered this challenge. He wants that this offering is made. So it was put forward to that very wealthy man. And the man could not say anything. How could he do it? How could he offer this? How many millions of elephants would have to die in order to get this very rare pearl? It is unimaginable. He could not even afford this. So like this, the Lord himself defeated this person. Just this little elephant pearl and grind it together and mix it with some pan. This is all what the Lord God wanted. So these are one of the very beautiful and wonderful pastimes which Lord Jagannath manifests to show the glories, his own glories. Go, Jai Jagannath. Jai Jagannath, Mahaprabhu ki Jai. Om Jnanati Nirandasya Jnananjana Shalakya Chaksurum Militam Yena Kismai Shri Guruve Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadanu Krishnaya Krishna Murtaya Tatmukaya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Rama
बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. First of all, I'm paying my unlimited dandavats pranam to the divine lotus feet of Nitya Lila Pravishta Asutra Santa Sisthu Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and to my dear beloved Gurudev, what he gave to me, Om Vishnupada Asutra Santa Sisthu Bhaktivedanta Van Maharaj, and my beloved Siksha Gurudev, Om Vishnupada Asutra Santa Sisthu Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, who is present here to give us all some injection, spiritual injection, what all we all need in this part of bhakti. So Maharaj doesn't come often in Holland as other Maharajas we are used to. He comes only twice a year because he is very wanted in India. In India he is very famous, and if you go to his Bhagavad Saptas, then thousands of people are coming to hear his Bhagavad Sapta, and everyone is eager to be in association of such a nice, exalted Rasika Vaishnava, who has heard so many hari-katha, who has got so many realization from his Gurudev. And now his mission is to come to every eager devotee and speak this same hari-katha. So some utsaha, some faith will come in our heart, so we can do our sadhana in a very, very fixed way. So I'm very happy again to receive Maharaj. I'm always excited to meet him. Actually, we don't have so much association, but I'm always listening to his harikatha. If I go to the gym, everywhere I'm putting his harikatha, and he's giving so much nectar. He's giving. If you listen to his harikatha again and again, you will see so much tattva, siddhanta is there. It's amazing. Maybe now you're listening and thinking, okay, it was a simple harikatha. Sometimes people come and hear our Maharaj's katha, he said, hey, always speak about jiva-atma or nam-tattva, that's all we hear. But actually, if you listen very carefully, you will see that so many refilling of the tattva siddhanta is there in this harikatha. So I'm very enthusiastic again to be in association of him. And because of him, I'm actually also here speaking to you all. I always want to remember this point, very important point, that it was because of Maharaj's mercy that he forced me actually to give the seminars and to spread the words of Sri Krishna. Kurukshetra. It was his desire and his direct instruction what I followed, and because of him I'm meeting so much new people who are enthusiastic to do some sadhana in this part of bhakti, but it's actually due to his desire. So therefore I'm very touched actually. Every time I'm seeing him, I'm going to the airport and receiving him, I remember his words and instructions, and that's why I'm always hoping that I will be always under his anugat, under his guidance as much as I can. So Maharaj asked me to speak also something about Jagannath, Subhadra and Baladev. But actually there's a topic what is very elaborately spoken. It is very difficult to speak like 5 minutes about Jagannath. Because there is so much to say. The story is also very long but very inspiring. There are different angles actually also in this harikatha. Jagannath manifested his form in different way, in different stories, in different yugas actually also. And our acharyas, our beloved Gurudevs, has mentioned everything in details. I know when I was in Bhubaneswar and I was staying in the ashram of Srila Gaurbinda Maharaj, my Siksha Gurudev, always when he spoke about Jagannath, so much enthusiastic coming out his body language. He was totally in the mood of Mahaprabhu's mood.
Because Jagannath is very exceptional. He is Jagannath, Jagannath. He is the Nath, he is the Ishwar of the Jagat for a whole world, the whole universe. Everything what he's created, he is the Nath. But simultaneously, although he is the Supreme Lord, he's got the mood of to relish the hari-katha of his devotees. That is his mood. That is the very specialty of Jagannath. We see Jagannath, if you go to Jagannath Puri, you see like he is more in Dwarkadesh. Like Maharaj just told me that he wants to go and he has got some desires. He's in Dwarkadesh, but although he's in Dwarkadesh, his mood, his internal mood is totally into Vrajendranandra Sri Krishna. That is why Lord Chaitanya Mahaprabhu is always anxious to see Jagannath's darshan. If you read his biography, if you read Chaitanya Charita, Krishna Kaviraj Goswami is mentioning many times how Chaitanya Mahaprabhu was always desiring to see the Lord's darshan, how he was always anxious to go and see Jagannath. But a question rises, what our Acharya is telling, what is actually Mahaprabhu seeing when he's seeing Jagannath? What is his mood? What is Mahaprabhu's mood when he's seeing Jagannath? It's very important because we are in the line of Mahaprabhu. We are Rupa Nuga Guru Vargas. We are on the line of Mahaprabhu. So it is very important for us to know, because there are different ways we can see Jagannath. But when we are under the guidance of the Acharyas, we will have some understanding. What is Mahaprabhu actually feeling when he sees Jagannath? The conclusion is saying also, Radio Bhagwan Vrijesa Tanyas Tadham Vrindavanam. It's very clearly to say what is Mahaprabhu's mood. He's seeing when he's seeing Jagannath, he's not seeing Jagannath. He's not seeing the Jagannath that is there. He's seeing this Vrajendra Nandra Sri Krishna. Why? Because that is the ultimate goal of every jivatma. To come in this Golok Vrindavan, the Dham Vrindavanam, where Krishna is not, he's there, he's not so much happy if somebody is telling him or saying his name Krishna. He's more happy when somebody is telling him Vrajeshwar Ishwar Tanyas. Like Vraja Ishwar is, use Vraja Ishwar, the king of Vraja is Nanda Maharaj. And Tanyas means his son. So he's always wants to be related to his devotee. He never wants to be dependent. He's telling, I'm independent, I'm giving everyone independent, but I'm dependent totally on my devotees. So this is the mood what Krishna is always relishing. How is their devotees are experiencing his darshan? The way he is giving them so much affection. He's playing his flute and intoxicating all his devotees in Vraja. And by hearing this katha from Rohini Mata, Krishna in Dwarka is so anxious to hear his katha that he turns himself in ecstasy. And he reveals his form as Jagannath. Like when we feel something very nice, when we hear something very nice, when something very nice happens to us, we also get some ecstasy feeling. We look with big eyes, big smile. But the symptoms of Bhagavan is more intensified. So he takes a form as Jagannath, and with this form, he's actually giving everybody the real truth, the real Siddhanta, how Vrindavan Dham, with all his Vrajavasis, are so superior that even Bhagavan, if he hears the leelas of the Vrajavasis, he's totally
in ecstasy. So there are many, many deep stories, deep lilas, what our acharyas is emphasizing. And actually, I'm not qualified to speak about these topics. That's why I'm very happy that Maharaj is here, and he will speak more deeply about the feeling of Mahaprabhu and Jagannath, his mood of giving us his darshan in this jagat, in this universe. Blessed Jai Jagannath Mahaprabhu ki jai. Blessed Jagannath Dev ki jai. Hitai Gaur Brahmande Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. आप लोगों ने श्रवण किया श्री विजय प्रभु जी से और हमारे श्री दामोदर प्रभु जी से जगन्नाथ जी की क्या महत्व है, जगन्नाथ जी कौन है, ऐसे क्यों बने, इसके अंदर में बड़ी रहस्य है, बड़ी रहस्य बात जगन्नाथ जी कथा, बड़ी सुंदर कथा है जगन्नाथ जी। हम अभी तो हम जाएंगे, कल हम जाएंगे कहाँ, स्टुटगार्ट जाएंगे, जब वापस आएंगे फिर और सारी बहुत कथा सुनेंगे, अभी थोड़ी कथा सुनते हैं। हाँ हरे कृष्णा। अभी जगन्नाथ जी का जो रथ जाता है इसकी बहुत बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, उसकी एक कथा है कृष्ण जब ब्रज छोड़ करके गए, ब्रजवासी लोग कृष्ण को जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन ब्रजवासियों ने पूछा, राधा रानी ने पूछा, तुम कब आओगे, बोले मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को मार करके परसों वापस चला हूँ। इसलिए ब्रज में एक स्थान है, उस स्थान का नाम सी परसु, मतलब जहाँ कृष्ण गोपियों से राधा जी से बोल कर गए मैं परसु वापस आऊंगा, लेकिन परसु बोल करके परसु बीत गया, लेकिन कृष्ण नहीं आए। जब कृष्ण नहीं आए, कृष्ण विरह में ब्रजवासी, जब उद्धव जी ब्रज में आए और ब्रज का विरह अवस्था को उन्होंने देखा, जब से कृष्ण ब्रज छोड़ कर गए कोयल और कुहुक नहीं, मयूर और केदा नहीं बोलते हैं, सखा लोग गैया चराने नहीं जाते, और वहां के जितने गैया और घास नहीं खाते, बछड़े दूध नहीं पीते, गोपियां जहां कृष्ण छोड़ कर गए थे वहीं पर ब्रज गोपी वहीं पर बेहोश होकर पड़ी हुई, और श्री मैया जसोदा की आंखों से इतने आंसुओं की झरी बह रही हैं, पूरा कपड़े उनकी एकदम आंसू से लथपथ हुए हुए, और कोई घर में रसोई नहीं बना रहे हैं, घर में सब मकोड़े सब जाल बना दिए, कृष्ण विरह में संपूर्ण ब्रज डूबा हुआ। लेकिन एक समय सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा, हमारे भारत में नियम है सूर्य ग्रहण में सबके सब कुरुक्षेत्र जाते हैं, वहां पर स्नान करके और सारे साधु संत ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, सारी दुनिया के लोग आए सूर्य ग्रहण, उसमें ब्रजवासी लोग भी आए और उसमें कृष्ण भी द्वारका से आए। अभी ब्रजवासियों को पता चला कृष्ण भी ये सूर्य ग्रहण में कृष्ण भी आए हुए हैं, हैं? इतने में सूर्य ग्रहण के बाद में सारे ब्रजवासी सबके सब वहां पर ब्रह्म कुंड है जहां पर स्नान किए, सारे द्वारकावासी भी स्नान किए, उसके बाद में सबके साथ में मिलने के लिए गए, कृष्ण भी मिलने के लिए। जब कृष्ण को पता चला मेरे पिता माता, मेरे सखियां, मेरे सखाएं और श्री किशोरी राधा रानी आए, इसलिए सबके कृष्ण भी मिलने के लिए गए। पहले तो उन्होंने पिता माता के पास में गए, पहले पिता माता के चरण छुए। कृष्ण जब मैया, कृष्ण का उम्र कितना हो गया था, 100 साल के कृष्ण हो गए, मैया जसोदा की कितनी उम्र हो जाएगी, 150 साल हो जाएगी। मैया जसोदा एकदम बूढ़ी बन गई, लेकिन उसी समय जब कृष्ण को उन्होंने गोद में बैठाए, बूढ़ी अवस्था में भी मैया जसोदा की स्तन से दूध झरने लग गई, हैं? उनको स्तन से दूध झरने लग गई और उन्होंने कृष्ण को गोद में भर करके रोने लग गई। नंद बाबा का गोद में दाऊ मैया बैठ गए और बैठ करके उन्होंने तरह तरह से नंद बाबा को सांत्वना देने लग गए, हम क्यों नहीं आ पाए, किसी लिए नहीं आ पाए,
फिर किसी तरह से पिता माता को सांत्वना दिया, फिर सखाओं को सांत्वना दिया, और इधर ब्रज गोपी और राधा रानी सबके सब खड़ी होकर के देख रही हैं कब हमारा भी बारी आई, नंबर आई। फिर कृष्णा इन लोगों को सांत्वना देकर गोपियों से और श्री राधा रानी से जब मिले, इतने में राधा रानी कह रही है, बोले श्याम सुंदर, हम भी वही राधा है, तुम भी वही कृष्ण हो, लेकिन जब हम वृंदावन में हम दोनों मिलते थे, जहां पर सुंदर जमुना नदी, जहां पर कलकल नाद से बह रही है, जहां पर कोयले कूदती हैं, मयूर केका कर रहे हैं, जहां पर बेली चमेली जूही केतकी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, जहां पर उसकी पूर्णिमा का चंद्रमा का चिरण जहां पर छिटक रही है, जहां पर सुंदर कुंज बना हुआ, जब हम एकांत में, जब हम सिर्फ वृंदावन में मिले हैं, उसी समय में जो आनंद है, यहाँ पर वो आनंद नहीं, यहाँ पर तुम्हारी तो ब्रज का कोई चिन्ह नहीं तेरे अंदर, अगले तुम द्वारकाधीश बनकर बैठे हो, पर मयूर पंखा कहाँ है, हाथ में बंसुरी तुम्हारी कहाँ, बंसुरी भी नहीं, मयूर पंखा भी नहीं, कोई ब्रज का चिन्ह ही नहीं, तुम नंदन नंदन अभी सुन रहे थे ना, कोई नंदन नंदन तुम हो, जसोदा नंदन कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पर तो सारे द्वारका का चिन्ह है, राज भेष चक्र धारण किए हुए, शंख चक्र गदा, ये ब्रज का ये मूड नहीं है, ये तो द्वारक का मूड है। अगर आप हमें आनंद देना चाहते हो, हमारी हृदय रूपी रथ में बैठो, और आपको हृदय में कहते आनंद हृदय मन मोर मन वृंदावन, इसलिए दूसरा का जो हृदय तो मन है, लेकिन हमारा हृदय वृंदावन है, हमारे हृदय रूपी रथ में तुम बैठो, और तुमको बैठा करके हम तुमको ले जाएंगे कहाँ पर, वृंदावन ले जाएंगे। इस रथ यात्रा नहीं, ये राधा रानी अपना हृदय में श्याम सुंदर को बैठा करके, और ये गोपियां श्याम सुंदर खींचते हुए ले जा रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा जब में जब सम्मिलित तो होते थे, जब रथ खींचते हुए ले जाते थे, यही बात है, हम कृष्ण को कुरुक्षेत्र से हम वृंदावन ले जा रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, कहते ये श्री रथ यात्रा की एक भाव है, रथ यात्रा की ये भावना है। अभी ये तो भावना रथ यात्रा की, लेकिन रथ यात्रा नहीं, रथ नहीं, वो अपना अपना हृदय है, और अपना हृदय में श्याम सुंदर का बैठन, लेकिन श्याम सुंदर तो जहां का बैठ नहीं सकते, गद्दे के स्थान में तो श्याम सुंदर बैठ नहीं सकते, श्याम सुंदर तो वही बैठ सकते हैं जहाँ पवित्र स्थान हो, निर्मल स्थान हो, भगवान जहाँ का नहीं बैठेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष लीला की है, अगर हम भी अपना हृदय में ठाकुर जी को बैठना चाहते हो, हमें क्या करनी चाहिए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक सुंदर लीला की। वहां पर दो मंदिर है, जगन्नाथ जी जिस मंदिर में हर समय रहते हैं उनको मानी जाती है द्वारका, और एक मंदिर 3 किलोमीटर में उसका नाम है गुंडीचा मंदिर, उसको मानी जाती है वृंदावन, और ये मानी जाती है द्वारका। ये द्वारका से राधा रानी अपना हृदय में बैठा कर कहाँ ले जाती हैं, उनको ले जाती हैं वृंदावन ले जाती हैं, और वहां पर श्री जगन्नाथ जी जाएंगे गुंडीचा मंदिर में। बोले गुंडीचा कौन है, बोले श्री राधा इंद्रदुम्न महाराज का जो रानी कहती है श्री गुंडीचा देवी, इसलिए जो जगन्नाथ जी जब प्रकाशित हुए, इसलिए उनकी पत्नी का नाम से ही वो मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर रखा हुआ, जिसको वृंदावन मानी जाती है। अभी जगन्नाथ जी द्वारका से अभी जाएंगे वृंदावन, लेकिन अभी वृंदावन में जाकर जगन्नाथ जी बैठेंगे, वहां पर एक नियम था, जगन्नाथ आने से एक दिन पहले राजा नौकरों को देख करके वो मंदिर को साफ सुथरा करवाया करते थे, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे, बोले क्या ये नौकरों को दे करके मंदिर साफ कराएंगे, पैसा दे करके सेवा नहीं होता है, सेवा तो भावना से होता है, भक्ति से होता है, इसलिए हम अपना परिक्रम को साथों में हम ये मंदिर को साफ करेंगे। उन्होंने श्री राजा से प्रार्थना किए कि जो गुंडीचा मंदिर जो मार्जन है, जो साफ सुथरा, हम अपना परिकरों को साथ में करवाना चाहते हैं, महाप्रभु उसको मांग करके लिया, ये सेवा हमें प्रदान करो। देखो
हमारे संप्रदाय में जो महाप्रभु झाड़ू लगाए ना मंदिर में जाकर मंदिर साफ किया, इसकी बड़ी महत्व है। हम लोग कोई बड़ा सेवा हो ना हम लोग आनंद से करेंगे, लेकिन कोई घटिया सेवा छोटा सेवा हो ना बोले हाँ हम इतने बड़े होकर पतले उठाएंगे, हम इतने बड़े होकर के झाड़ू लगाएंगे, हम इसको बुरा मानते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ये सेवा को मांग करके लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन वो मांग करके लेते हैं ये सेवा हमें प्रदान करो। अब विशेष करके हमारे संप्रदाय में झाड़ू लगाने का सेवा की सबसे ज्यादा महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व है झाड़ू लगाने का सेवा है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूँ? बोले नाम हाटगा में झाड़ूदार हूँ। वो अपना परिचय देते हैं, मैं झाड़ूदार हूँ। और श्री श्यामानंद प्रभु उन्होंने राधा रानी का नूपुर को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? झाड़ू लगाते लगा। जब श्यामानंद प्रभु अपना गुरु जी के पास में आए, उनको गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक विवाह नहीं मिलेगा, एक काम करो जाओ ये निकुंज वन में सेवा कुंज में रोज यहाँ पर जाकर के झाड़ू लगा दो। और श्री श्यामानंद प्रभु रोज जा जा करके निकुंज वन में सेवा कुंज में रोज झाड़ू लगाते थे, और उसी सेवा कुंज में लौट पौट खाते थे निधि वन में, और रो रो करके श्री राधा रानी का नाम को ले लेते कि रो रो करके झाड़ू लगाया करते थे। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज यही झाड़ू लगाते थे। और झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी की कृपा हुई, और राधा रानी ने अपना चरण की नुपुर को छोड़ कर गई राधा रानी, और श्री श्यामानंद प्रभु को दुखी कृष्णदास को चरण की नुपुर मिला, और श्री जीव गोस्वामी को बोले गुरुदेव हमें एक सोने की चरण की नुपुर मिली, पर ये सोने की चरण की नुपुर श्री राधा रानी की है। राधा रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बनाए, देखे ये चरण का नुपुर जिसको तिसको देना नहीं, अगर कोई लेने के लिए आए ना बोलना जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए, और मैं अपना हाथों से पहनाऊंगा। स्वयं राधा रानी वहां पर आती है और वो अपना हाथों से श्री राधा रानी के चरण में नुपुर पहनाती है। बोले ये किसका फल है? बोले झाड़ू लगाने का फल, ये झाड़ू लगाने का फल है। इसलिए हमारे संप्रदाय में झाड़ू लगाने का बड़ा महत्व है, झाड़ू लगाने का है। इसलिए और श्री हमारे संप्रदाय में श्री प्रबोधानंद सरस्वती देखो वो क्या कहते हैं, बोले जत किं करि सुबहु स खड़ुका कुबाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदारस निधे वृषभानुजाया तत्केलि कुंज भवनांगनि मार्जनिस्या। देखो क्या प्रार्थना करते हैं, बोलिए कौन है प्रबोधानंद सरस्वती? कहते कि कृष्ण लीला की तुंग विद्या सखी, ये तुंग विद्या सखी प्रार्थना करती है। बोले हे राधे कब मुझे ऐसे सौभाग्य मिलेगा? बोले क्या सौभाग्य चाहते हो? बोले जिस निकुंज में श्री राधा रानी मान करती रहती है और सखियों को कह देती हैं आज हम किसी काले चीज को मैं देखना नहीं चाहती हूँ, श्याम सुंदर आए तो अंदर में घुसने मत दिया करना, और ललिता विशाखा सखियों को कुंजों को बाहर खड़ी कर देती है। और कृष्ण जब आते हैं कुंजे में प्रवेश करने के लिए वो सखियों के चरण में प्रार्थना करते हैं हमें थोड़ा राधा जी को साथ में मिला दो, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सखियां अंदर में घुसने नहीं देते। वो कहते हैं कब मुझे ऐसे सौभाग्य मिलेगा जिस कुंज में श्री राधा रानी मान करती हैं, जब सखियां झाड़ू लगाती हैं वो झाड़ू का क्या मैं एक स्टिक बन पाऊंगा, उसका एक सला का मैं बन पाऊंगा? मतलब राधा रानी निकुंज की झाड़ू लगाने की एक सलाका की प्रार्थना करते हैं श्री तुंग विद्या सखी प्रबोधानंद सरस्वती। इतने वहां पर झाड़ू लगाने की महिमा है, जहां पर मंदिर होता है ना, अगर आप मंदिर को झाड़ू लगाओगे, झाड़ू लगाओगे तो मंदिर को, लेकिन हृदय में झाड़ू लग जाती है। झाड़ू लगाओ मंदिर का लेकिन तुम्हारी हृदय साफ सुथरा हो जाएगी। इसलिए झाड़ू लगाने की बड़ी महिमा हमारी संप्रदाय में।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने झाड़ू लगाने की उन्होंने सेवा को ग्रहण की, बोले आज हम अपना परिकरों को साथ में मिल करके झाड़ू लगाएंगे। और महाप्रभु जगन्नाथ जी जाने से एक दिन पहले अपना परिकरों को लेकर के कौन कौन वहां पर, कहते स्वयं महाप्रभु, कौन ये कृष्णा, श्री नित्यानंद प्रभु ये कौन, बलदेव प्रभु, अद्वैत आचार्य ये कौन, बोले सदाशिव महाविष्णु, गदाधर पंडित ये राधा रानी, श्रीवास पंडित श्री नारद जी, ये लोग मिल करके वो मंदिर को झाड़ू लगाते थे और उसको साफ करते थे। लेकिन हाथों में तो झाड़ू लगाते हैं, लेकिन मुंह से क्या करते थे, भगवान की कीर्तन करते थे, मुंह से हरि कीर्तन कर रहे थे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं, हाथों में तो सेवा करो और मुंह में क्या करो, भगवान का नाम करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले जब तक कोई लखपति नहीं बनेगा ना, उसका हाथ का खाना में नहीं खाना। जब महाप्रभु को निमंत्रण दिए, आज हमारे घर में आपका निमंत्रण है, इसलिए महाप्रभु शिक्षा देने के लिए क्या बोले, बोले भैया उसको घर में मैं खाना खाऊंगा, किसको घर में, जो लखपति बनेगा उसको घर में, मतलब रोजाना जो एक एक लाख हरिना करेगा उसका हाथ का खाना मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसलिए महाप्रभु शिक्षा दिया। इसलिए श्री भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं, हरि नामाश्रय करी जतन तुम्ही थाकह अपना काज। अगर कोई बोलेगा हमारे पास कोई समय नहीं, इतने हरिनाम, एक लाख हरिनाम हम कहा कर सकते हैं, हमारे पास कोई इतना समय नहीं है। लेकिन अगर समय नहीं नाम करने के लिए, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं बस में जा रहे हैं, भाग जाओ, लेकिन भगवान का नाम जप करते करते जाओ साथ में, उस समय तो कोई मना नहीं। हाथों में जो कुछ कर भगवान की सेवा करो और मुंह में क्या करो, भगवान की नाम जप करो। ऐसे भी करेंगे तो एक लाख नाम हमारी पूरी हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु हाथों में सेवा कर रहे हैं और जब कोई चीज देते हैं ना ऐसे करके हरे कृष्णा, ऐसे नहीं बोल रहे ये चीज को लो, बोले नहीं हरे कृष्णा घड़ा लो और दूसरे घड़ा लो, हरे कृष्णा। महाप्रभु शिक्षा देते हैं जो कोई सेवा करो भगवान के नाम को साथ में जोड़ते हुए। इसलिए वहां पर प्रभुपाद वहां पर टीका में कहते हैं, चलो जीव गोस्वामी कह रहे हैं, भक्ति संदर्भ में कह रहे हैं, जो कलयुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर भगवान के नाम को साथ में अगर वो चीज को मत जोड़ो तो सबके सब बेकार हो जाएगा, तो सबके सब बेकार हो जाएगा। इसलिए जो कुछ करो भगवान का नाम को साथ में जोड़ते हुए सारे काम करो, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही एक सार है। इसलिए महाप्रभु हाथों में सेवा और भगवान मुंह में भगवान का नाम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मंदिर को साफ कैसे किया, बोले पहले तो झाड़ू लगाए, धूल को हटाया, फिर कंकड़ को हटाया, फिर महाप्रभु ने पानी लाए, फिर पानी ला करके अच्छे तरह से मंदिर को उन्होंने धोया, अच्छे तरह से धोया। अगर कहीं दाग रह गया ना, फिर महाप्रभु अपना कपड़ा उठाए और अपना कपड़े से घीस घीस करके जो दाग रह गया था वो दाग उन्होंने हटाया, बोले इसका मतलब दिया है। तब इसके ऊपर में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताए, ये मंदिर मार्जन का मतलब क्या है, महाप्रभु ऐसे लीला क्यों किए, बहुत अच्छी बात बताए। तब बताए ये धूल क्या चीज है, महाप्रभु पहले तो धूल को जो हटाया, क्योंकि जो धूल है श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का डेफिनेशन उन्होंने दिया है। भक्ति कहते हैं किसको, बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कहते उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने उत्तम भक्ति का डेफिनेशन दिया, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए,
है, कोई अन्य अभिलाषता छोड़नी चाहिए, अभिलाषा क्या रहनी चाहिए, लेकिन साधारण जीव का अभिलाषा क्या, बोले जब तक इसी संसार में रहूंगा तब तक केवल भोग करूंगा, उनका यही भावना है। संसार में क्यों पैसा कमा रहे, बोले भोग करेंगे, शादी क्यों किया, भोग करेंगे, खाना क्यों खा रहे, बोले भोग करेंगे, बोले मकान क्यों बनाए, बोले भोग करेंगे। तो प्रभुपाद कहते भले भैया पहले ये सारे भोग चीज खत्म करो, क्योंकि जो जीव है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जो जीव है वो भगवान की हम नित्य सेवक है, हमारा धर्म क्या है, बोले भगवान की सेवा करना ही हमारी धर्म, और कोई धर्म नहीं हमारी। इसलिए हमारी भक्ति जगत में जैसे प्रसाद खा रहे ना, हम प्रसाद खा रहे नहीं कह रहे, क्या बोलते हैं, प्रसाद सेवा कर रहे हैं, प्रसाद सेवा कर रहे हैं। इसलिए भक्त लोग पैसा कमाते हैं, क्यों पैसा क्यों कमा रहे हो, भगवान की सेवा के लिए, घर को साफ सुथरा क्यों कर रहे हो, बल्कि भगवान की मंदिर, भगवान की मंदिर। जैसे गोपियां हाथों में सब कुछ करती थी, लेकिन हाथों में तो सब कुछ करती थी, मुंह में क्या करती थी, भगवान की कीर्तन करती थी, बोले गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो धर्माधवे हे कृष्ण हे या तव हे सखेती गोविंद दामो धर्माधवे। इधर हाथों में जो कुछ करती है कृष्ण सेवा कर रही है, लेकिन मुंह में क्या कर रहे हैं, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए भक्तों लोग जो जो कुछ करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हम जो शौच क्रिया में जाते हैं ना, भक्त लोग जो शौच क्रिया में जाते हैं, ब्रुश ब्रुश करते हो, जो शौच क्रिया में जाते हैं, इसलिए इनकी शौच क्रिया भी सेवा ही है, क्योंकि अगर स्नान नहीं करेंगे है, इसलिए शौच क्रिया नहीं करेंगे अपवित्र शरीर से ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे। अगर बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं पहनेंगे, गंदे कपड़े से हम ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे। भक्त का सारे चीज सेवा ही है। इसलिए अन्याभिलाष मतलब होता है भक्त जो कुछ करता है भगवान की सेवा के लिए करता है, जो कुछ खाना बनाए, कपड़ा पहनाए, जो कुछ करे, इसलिए इसको कहते हैं अन्याभिलाष का सुनने पर क्या, बोले ज्ञान कर्माज अनाभिलाष। कहते उसमें जो कंकड़ था वो कंकड़ को हटाए, बोले ये कंकड़ क्या, बोले ज्ञान, ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग मतलब मैं वही ब्रह्म हूँ, एक दिन वो ब्रह्म में जाकर के हम मिल जाएंगे, हम भगवान की सेवा नहीं चाहते, हम तो ब्रह्म में जाकर के वहां उसमें मिल करके क्या कर रहे, बोले नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए आपको वो जो ब्रह्म ज्ञान उसको त्याग देना पड़ेगा, और जो कर्म है, कहते महाप्रभु ने वहां से जितने धूल को उन्होंने हटाए, बोले ये क्या, बल्कि ये कर्म को भी हटाओ, कर्म मतलब क्या है, जो अपना शरीर को मैं बना मान कर जो कुछ करते ये कर्म, तो ये सारे चीज को हटाओ, हाँ हटा कर क्या क्या करे, बोले पानी ला, पानी ला कर अच्छे तरह से मंदिर को धो, बोले ज्ञान कर्म को तो निकाल दिया, लेकिन हृदय में जो विषय भोग की जो वासना है उसको क्या करो, बोले उसको भी धो, उसको भी धो करके उसको भी हटाओ, वो सारी चीज को हटा करके हृदय में फिर देखा वहां पर कुछ दाग रह गया, हटा तो दिया, धूल को भी हटा दिया, कंकड़ भी हटा दिया, सब झाड़ू लगा दिए, लेकिन वहां पर थोड़ी थोड़ी दाग रह गया। फिर महाप्रभु ने अपना कपड़े को लिया, अपने कपड़े को लेकर घीस घीस करके वो दाग को भी घीस करके बचाया, बोले वो दाग क्या है, बोले कुटीनाती, कुटीनाती मतलब कपड़ा दाग। कहते भगवान की भक्ति में सारी कपटता को भी त्याग देनी चाहिए, भगवान कपट व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते, इसलिए हृदय के सारे कपट, कपट मतलब क्या है, हम बाहर एक और भीतर एक है, है? एक रूप दिखा रहे लेकिन अंदर में और एक है, भगवान कहते नहीं कपट व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता, इसलिए कपटता को त्याग दो। फिर उसके अंदर में फिर प्रतिष्ठा सा है? कहते प्रतिष्ठा सा आशा को भी त्याग प्रदान करो, बोले प्रतिष्ठा सा आशा किया, बोले जो व्यक्ति
निर्जन भजन करना चाहते हैं, कहते हम तो एकांत में निर्जन में भजन करेंगे, सब लोग हमको सोचे ये बहुत बड़े साधु, बोले भैया ये चीज को भी त्याग दो, है ये चीज को भी त्याग दो, कुटी नाटी जीव हिंसा त्याग दो। जीव हिंसा मतलब क्या, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करके जो कपटता भक्ति को प्रचार करते हैं, इसको भी त्याग दो, सब चीज को त्याग दो, त्याग दे करके हृदय को एकदम निर्मल बना दो, हृदय को एकदम शुद्ध बना दो। जब भक्त लोग मंदिर साफ कर रहे थे, जो व्यक्ति अच्छे तरह से मंदिर साफ कर रहे थे ना, महाप्रभु तो बड़े खुश हो गए थे, तुम बढ़िया साफ कर मंदिर को बड़े सुंदर साफ कर दिया है। और जो साफ नहीं कर रहे थे ठीक से, मंदिर को साफ नहीं कर रहे थे, महाप्रभु बोलते थे उसको, फिर मीठी मीठी गाल देते थे, बोले नहीं अच्छे तरह से साफ करना है। और जो सुंदर साफ करते थे, बोले भैया तुम तो बढ़िया सुंदर साफ किया, दूसरों को भी ये सिखा दो। और जो ठीक ठीक से नहीं करते थे, महाप्रभु बोलते देखो तुमको दंड मिलेगा। बोले क्या दंड मिलेगा, बोले जितने सारे वैष्णव है ना, सब वैष्णव को प्रसाद खिलाना पड़ेगा। इसलिए भक्ति जगत में जो दंड भी है ना, बड़ा सुंदर है। क्या है दंड, ऐसा भक्तों को सेवा दो सबको। बोले ऐसे क्यों, इसका मतलब क्या, तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति अपना हृदय को साफ नहीं कर रहे हैं, हृदय को ठीक ठीक से साफ सुथरा नहीं कर रहे, भजन ठीक से नहीं कर रहे हैं, फिर उनको क्या करनी चाहिए, कहते भक्तों का सेवा कर दो, वैष्णव का सेवा करो। क्योंकि महाप्रभु ने दो उपदेश महाप्रभु ने दिया, एक वैष्णव सेवन और एक नाम संकीर्तन। प्रभु बोले दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, कहते ये दो काम अगर कोई करेगा जल्दी से जल्दी उसको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगा। पहला काम किया, बोले वैष्णव का सेवा करो। बोले वैष्णव सेवा क्यों करेंगे, बोले भगवान का निवास कहाँ पर है, बोले भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है। जब भक्तों को हम सेवा करेंगे तब भगवान अपनी आप संतुष्ट हो जाएंगे, अपनी आप संतुष्ट हो जाएंगे वैष्णव सेवा से, हैं। और दूसरा काम क्या करो, भगवान का नाम कीर्तन करो। महाप्रभु बोले ये दो काम करो जल्दी जल्दी तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने ये सब शिक्षा को दिया। और एक बात बताए, बोले जो व्यक्ति मंदिर को साफ अच्छे तरह से कर रहे हैं, उनको महाप्रभु ने एक उपदेश दिया। बोले क्या उपदेश दिया, बोले तुम बढ़िया साफ कर रहे हो ना, इसलिए दूसरों को भी सिखाओ। बोले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है जो भगवान का भजन ठीक ठीक से कर रहे हैं और अपना हृदय को साफ सुथरा कर रहे हैं, अपना हृदय को भक्ति करके अपना हृदय को जो साफ सुथरा करते हैं, बोले तुम भी दूसरों को प्रचार करो। महाप्रभु कहते तुम भी प्रचार करो, प्रचार करके दूसरों को भी भजन की बात सिखा दो दूसरों को, हैं। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचे जात नगरा दिग्राम सर्वत्र प्रचार है विमर नाम, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। पृथ्वी में जितने नगर गांव जितने देश है, एक दिन ऐसे आएगा लोग बड़े प्रसन्न होकर के मेरे कीर्तन करेंगे, सबके सब भगवान का नाम लेके कीर्तन करेंगे, ये महाप्रभु का उपदेश है। इसलिए जो व्यक्ति ये हरि कीर्तन प्रचार करते हैं, हाँ? इसलिए ये लोग महाप्रभु का आदेश को पालन करते हैं। इसलिए जैसे हमारे श्री विजय प्रभु जी, दामोदर प्रभु जी, ये सब हरि कीर्तन प्रचार करते हैं, भगवान की कथा को प्रचार करते हैं, नाम प्रचार करते हैं। इसलिए सबको भी करनी चाहिए, ये केवल आदेश एक व्यक्ति को नहीं, ये सबका। ये महाप्रभु ने ये गुंडीचा मंदिर मार्जन में प्रभुपाद टीका में लिखते हैं, महाप्रभु सबको कह रहे हैं पहले भजन करो, पहले भजन करो, अपना हरिनाम करो, और जितना तुम्हारी समर्थ है दूसरों को भी ये चीज शिक्षा प्रदान करो।
हमारी 800 बड़े से जो व्यक्ति होंगे उनको भी भगवान की भक्ति में उनको भी धाम, अपना भी कल्याण कर और दूसरों को भी कल्याण करवाओ है। इसलिए हमें स्वयं भजन करते हुए दूसरों को भजन में हमें प्रवृत्त करानी चाहिए। इसलिए देखो अभी हम लोग बैठ करके एक माला जप करेंगे, ठीक है, और एक माला सबके सब जप करेंगे। इसलिए हम सब बैठ करके आप लोग साथ में माला लाए कि नहीं, सबके साथ माला लाए हो, माला नहीं लाए, देखो सब माला लाए, माला कहा लेकर बैठ करके माला जप।